दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सांड सेक्स कैसे करता है, आर्टिफिशियल तरीके से सांड का स्पर्म कैसे निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सांड से जुड़े कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जिन्हें यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले हम बैलों के 5 नस्लों के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण, दोस्तों इस नस्ल को बैलों का टर्मिनेटर भी कहा जाता है। इस नस्ल के बैलों की हाइट 5.5 फीट या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है और इनका वजन 1100 किलोग्राम से लेके 1300 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल की सबसे खास बात यह है कि इनकी ग्रोथ काफी जल्दी होती है। अच्छी बात यह है कि ये ब्रीड खास तौर पे भारत में ही पाई जाती है। दरअसल ये नस्ल इंसानों के द्वारा बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राह्मण नस्ल की हेल्दी बैल की कीमत 20 से 25 लाख रुपए होती है। फिटार्ड, दोस्तों इस बैल को दुनिया का सबसे हैवी बैल माना जाता है जिसका वजन 1950 किलो है। जब इस बैल को पेरिस में होने वाले फेयर में दिखाया गया तो इसे देखने वाला हर एक इंसान हैरान हो गया। डॉच बुडेसियस, बैल की ये प्रजाति दुनिया की सबसे खतरनाक बैल की प्रजाति है जिसका वजन 800 किलोग्राम तक होता है। इसीलिए इस बैल का इस्तेमाल स्पोर्ट के लिए भी किया जाता है। बैलों की स्पोर्ट में सबसे ज्यादा जीत इसी बैल की होती है। इसका इस्तेमाल स्पिन और रोटेशन जैसे खेलों में किया जाता है। इस पे सवारी करना बेहद खतरनाक है क्योंकि ये बैल बेहद खूंखार होता है और जमीन पे पटक के किसी की भी जान ले सकता है। बेल्जियन ब्लू बुल, इस बैल के शरीर में इतने सारे मसल्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जिम जाता होगा। दरअसल इसके शरीर में डबल मसल्स होता है जो इसे काफी हैवी बना देता है। बैल की ये प्रजाति खास तौर पे बेल्जियम में पाई जाती है। आपको बता दूं कि ये एक हाइब्रिडेड बैल है। लुल्च, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बैल का सींग कितना ज्यादा बड़ा है। आपको बता दूं कि ये किसी बैल की प्रजाति का नाम नहीं है बल्कि ये एक बैल है जिसके नाम है दुनिया के सबसे बड़े सींग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बैल की सींग की लंबाई 38 इंच है। इस बैल का जन्म 1995 में हुआ था जिसकी मौत 2010 में हो गई। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिर बैल सेक्स कैसे करता है। दोस्तों बुल ब्रीडिंग 2 तरीकों से की जाती है। एक तो वही नेचुरल तरीका जिसे सदियों से किया जा रहा है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल तरीका। आर्टिफिशियल तरीके से ब्लीडिंग करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो नई नस्ल का जन्म होता है और दूसरा दूध भी बढ़ जाता है क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके में अलग अलग बैलों के स्पर्म को मिलाया जा सकता है और इस स्पर्म को एक ऐसे गाय में डाला जाता है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूध देती है। ऐसे में जो नई नस्ल तैयार होती है उसकी दूध की क्वांटिटी पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है। आर्टिफिशियल तरीके से सांड से स्पर्म निकालने के लिए सबसे पहले सांड को अच्छी तरीके से नहलाया जाता है ताकि स्पर्म निकालते समय किसी तरह की गंदगी स्पर्म में ना जा सके। फिर सांड के आगे एक बड़ा सा कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि जब बैल को सेक्स के लिए तैयार किया जाए तो उसका स्पर्म गाय के अंदर ना जा सके और इसका सीमन भी नीचे से निकाल लिया जाए। फिर भैंस या बैल को एक दूसरे के पास किया जाता है और सांड सेक्स करने की कोशिश करता है, तभी नीचे से सीमन कलेक्ट करके लैब में भेज दिया जाता है। दोस्तों बैल को इस काम के लिए हफ्ते में 2 बार तैयार किया जा सकता है, यानी कि हफ्ते में 2 बार उसका सीमन निकाला जाता है और एक दिन में 2 बार किया जाता है, यानी टोटल हफ्ते में 4 बार बुल से सीमन कलेक्शन होती है। एक बार सीमन कलेक्शन करने से जितने भी सीमन निकलते हैं उससे 800 सीमन तैयार किए जाते हैं, वो भी एक हफ्ते के अंदर। दोस्तों अगर गाय के बुल की बात करें तो उसका टेस्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है जिसकी वजह से सीमन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एक हफ्ते के अंदर 1000 से ज्यादा सीमन तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा तभी हो सकता है जब बुल की कंडीशन अच्छी है। फिर 12 से 14 घंटे के अंदर ये सीमेन गाय या भैंस के अंदर डाल दिया जाता है। अगर गाय या भैंस से सेम नस्ल का बच्चा लेना चाहते हैं तो उसी नस्ल के गाय या भैंस में सीमेन डाल दिया जाता है। अगर नस्ल बदलना चाहते हैं तो नई नस्ल के गाय के अंदर सीमेन डाल दिया जाता है। इससे जो बच्चा पैदा होता है उसे हाइब्रिड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बुल के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।